तो अब एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं क्लास रेप्टिलिया के, और उसमें जो मैंने बोला आपको चार महीने एग्जाम्पल है, उनमें से फर्स्ट लेते हैं टॉर्टोइस, स्टूडेंट टॉर्टोइस, कछुआ जिसे कहते हैं, एक रेप्टिलिया और इसकी बॉडी के ऊपर स्टूडेंट शेल का बना हुआ, बोन्स का बना हुआ शेल होता है, एंड दिस शेल इज डिवाइड इन टू टू प्लेट्स, डॉर्सल प्लेट वेंट्रल प्लेट, पूरी बॉडी जो होती है उस शेल में बंद हो जाती है, डॉर्सल प्लेट इज कॉल्ड द कैरापेस, वेंट्रल प्लेट इज कॉल्ड द प्लास्ट्रोन, शेल बोन्स का बना हुआ शेल, उसमें पूरी बॉडी बंद हो जाती है, और शेल से बाहर आ सकते हैं तो हेड नेक लिम्स टेल, इसलिए स्टूडेंट टॉर्टोइस में स्केल्स जो होते हैं वो पूरी बॉडी पे नहीं होते, बल्कि टॉर्टोइस की बॉडी पर स्केल्स नेक पे होते हैं, लिम्स पे होते हैं, स्टूडेंट टेल पर। टॉर्टोइस के साथ एक और बात होती है कि जो इसमें क्लोइका होता है स्टूडेंट, वो क्लोइका रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, टॉर्टोइस अनफेवरेबल कंडीशन पास कर लेते अपनी पूरी बॉडी को स्टूडेंट उस शेल में बंद करके। लाइफ स्पॉन के बारे में बात करें तो लॉन्गेस्ट लाइफ स्पॉन लेते हैं 180 ईयर्स, 170 ईयर्स, जी हाँ टॉर्टोइस कछुआ। आइए कुछ बात करते हैं इसके बारे में, द बॉडी इज कवर्ड बाय बोनी प्लेट स्टूडेंट, दिस वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोनी प्लेट शेल, डॉर्सल पार्ट ऑफ शेल इज कॉल्ड कैरापेस स्टूडेंट, एंड स्केल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन नेक limbs tell, sternum is absent and cloaca help in, cloaca helps in respiration, ye done tortoise, to hamara pehla point tortoise complete student, mujhe lag raha clear, ab tortoise mein student tortoise land pe bhi hote hain, fresh water mein bhi hote hain, marine pe bhi hote hain, jaise example leta hu testudo, testudo student aapko batata hu, testudo ye land tortoise, ये लैंड टॉर्टोइज है, टेस्टुडो, तो व्हाट इज टेस्टुडो, टेस्टुडो इज अ टॉर्टोइज एंड लैंड टॉर्टोइज, इसी तरीके से स्टूडेंट एक और एग्जांपल बताता हूं टॉर्टोइज का, किलोन, और किलोन मैराइन होता है, समुद्र में मिलने वाला, और जो समुद्र में मिलते हैं उन्हें टर्टल बोलते हैं, टॉर्टोइज तो वर्ड यूज किया जाता है लैंड वाले के, ये समुद्र ये ऐसा किलोन स्टूडेंट, इसका भी ओरिजिनल डायग्राम आपको दिखाता हूं, ये ऐसा दिस वन, ये शैल आपको दिख रहा होगा, आपको मैं शैल इसमें भी क्लियर दिखाता हूं, ये शैल बॉनी प्लेट्स शैल, गॉट इट, स्केल्स देखिए आप लिम्स पर है केवल, बॉडी के ऊपर नहीं है, स्टर्नम आपको नहीं मिलेगा, ये इससे जुड़ रहे होते रिब्स, श्योर किलोन मैराइन टर्टल, फ्रेश वाटर भी होते हैं जिन्हें टेरापिन्स बोला जाता है, तो टॉर्टोइस बॉडी इज कवर्ड बाय बॉनी प्लेट शेल, क्लोइका हेल्प इन रेस्पिरेशन टॉर्टोइज में, स्केल्स पूरी बॉडी पे ना हो के लिम्स पर नेक पर टेल पर, डन टॉर्टोइज के बाद हम एक एग्जांपल और लेते हैं स्टूडेंट, और वह स्नेक, सांप के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट, सांप वो रेप्टाइल है स्टूडेंट जिसके अंदर लिम्स नहीं होंगे, सांप पे पहले लिम्स होते थे बट ड्यूरिंग इवोल्यूशन स्टूडेंट लिम्स डिजनरेट, और लिम्स नहीं है तो लिम बोन्स, जैसे आज मेरे हाथ पैरों में जो बोन्स है स्टूडेंट जिन्हें कहेंगे आप फीमर ह्यूमरस रेडियस अल्ना टिबिया फिबुला, ये बोन्स है लिम बोन्स, दीज लिम्स बोन आर एब्सेंट इन स्नेक, सांप में लिम्स नहीं है, लिम बोन नहीं है, सांप में टिम्पेनम नहीं है, यूरिनरी ब्लैडर नहीं है, स्टर्नम नहीं है, These are absent in snake, और एक वर्ड होता है लिजार्ड छिपकली, उसमें सब चीजें प्रेजेंट, दोबारा बोलूंगा मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं सांप के बारे में स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, तो मैं आपसे जो कह रहा था कि स्नेक्स हैव नो लिम्स टिम्पेनम स्टर्नम यूरिनरी ब्लैडर लिम बोन्स, सांप की जो टंग होती है स्टूडेंट वो बहुत ही पतली होती है थिन और बाइफिड होती है, बाइफिड इस तरीके से दो डायरेक्शन में इंक्लिन बाइफिड होती है और सेंसिटिव फॉर वाइब्रेशन वाइब्रोरिसेप्टर होती है, सांप अपनी टंग से ही एटमॉस्फेयर के वाइब्रेशन को रिसीव करता है स्टूडेंट, टंग को बार बार बाहर निकाल के, तो टंग इज थिन बाइफिड वाइब्रोरिसेप्टर, श्योर सांप अपनी टंग से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है मूवमेंट के लिए, सांप स्टूडेंट लिम्स तो है ही, तो फिर रिब्स स्किन मसल्स इसकी मदद से लोकोमोशन शो करता है,
श्योर, सांप के अंदर स्टूडेंट बहुत जो मूवेबल है और उनमें टीथ होते हैं, बट जो सांप में पॉइसनस स्नेक भी होते हैं, आपको पता है जहरीले सांप जिन्हें कहते हैं, उनके अपर जॉ में स्पेशल टाइप के टीथ होते हैं स्टूडेंट, मैक्सिलरी टीथ के मॉडिफिकेशन से दो ऐसे दांत निकले होते हैं, एंड दीज पॉइसनस टीथ आर कॉल्ड द फैंग्स स्टूडेंट, डबल स्टार, दीज पॉइसनस टीथ आर कॉल्ड फैंग्स, नॉन पॉइसनस स्नेक में ये दांत नहीं होते, पॉइसनस स्नेक में होते हैं, जहरीले सांप ऐसे फैंग्स रखते हैं, ये फैंग्स होलो होते हैं स्टूडेंट, होलो टीथ, इनके बेस पर पॉइजन ग्लैंड होती है स्टूडेंट, और सांप की पॉइजन ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, श्योर, और ये पॉइजन टीथ जो होते हैं स्टूडेंट, पॉइजनस टीथ, ये अपने होस्ट के अंदर, ये अपने प्रे के अंदर स्टूडेंट जहर डालने का काम करते हैं, नॉट हेल्प इन द मैस्टिकेशन, ये होलो है, होलो टीथ फाउंड इन स्नैक, होलो बोन्स फाउंड इन बर्ड्स, नॉलेज के पॉइंट्स, जोरदार। आपको क्या लगता है स्टूडेंट, मोस्टली स्नैक्स पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस है? नॉन पॉइजनस, जी हां, मोस्टली स्नैक्स स्टूडेंट नॉन पॉइजनस होते हैं, बट जो पॉपुलर नेम है जैसे कोबरा, करीत, वाइपर, सी स्नैक, ये पॉइजनस स्नैक की लिस्ट है स्टूडेंट। सांप ओविपैरस है, मोस्टली नॉन पॉइजनस है, बट सम आर पॉइजनस, सांप में लिम्स, लिम्बोन्स, यूरिनरी ब्लैडर, स्टर्नम, टिम्पैनम एब्सेंट होते हैं, सांप में टंग जो होती है स्टूडेंट वो वाइब्रेशन रिसीव करने का काम करती है, सांप के जहरीले दांत फैंग्स कहलाएंगे जो होलो हैं, मैक्सिलरी टीथ का मॉडिफिकेशन है, ये पॉइजनस टीथ स्नैक यानी जहरीले सांप में ही होंगे, नॉन पॉइजनस में नहीं होंगे, इसलिए स्टूडेंट पॉइजनस स्नैक और नॉन पॉइजनस स्नैक किसने काटा इसका पता उसकी जगह को देख के लगाया जा सकता है, जब पॉइजनस स्नैक काटता है तो इस तरीके से दो बड़े छेद होते हैं जो फैंग्स के होते हैं, और जब नॉन पॉइजनस काटता है स्टूडेंट तो कुछ इस तरीके से यू शेप या वी शेप मार्क बनता है जिसमें दो बड़े छेद नहीं होंगे, डन। ओविपैरस ये देखिए, ये भी मैंने विचार मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ, डन, देयर पॉइजन इज कॉल्ड विनोम, सांप का जहर विनोम कहलाएगा स्टूडेंट, ये बॉडी में दो जगह पर अटैक करता है, नर्वस सिस्टम पर या सर्कुलेटरी सिस्टम में, यानी ब्लड कोगुलेशन करवाना, इसलिए न्यूरोटॉक्सिक और हिमेटोटॉक्सिक दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, विनोम, इसके लिए जो मेडिसिन बनाई जाती है उसे एंटी विनोम कहा जाता है स्टूडेंट, डन। ये लीजिए लोकोमोशन, मैंने भी आपको बताया था सांप में रिब्स, मसल्स और स्किन, ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं स्टूडेंट, अगर पता लगाना है कि सांप पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस, तो स्टूडेंट उसके स्केल्स देखे जाते हैं, सांप का ही जो वेंट्रल सरफेस होती है जिसे बेली पोर्शन बोलते हैं, और ये हेड वाला पोर्शन होता है, सांप के बेली यानी वेंट्रल सरफेस पर लार्ज स्केल्स हैं और हेड पर स्मॉल स्केल्स हैं, तो पॉइजनस स्नैक है, जहरीले सांप के कैरेक्टर है, सारे जहरीले सांप जो होते हैं उनकी बेली पर स्टूडेंट लार्ज ब्रॉड स्केल्स होते हैं, ऑल पॉइजनस स्नैक हैव लार्ज ब्रॉड स्केल्स ऑन बेली एंड स्मॉल स्केल्स ऑन हेड, डन, श्योर, हाय अनाय स्टूडेंट्स, तो हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं जो हमारा तैयार हो रहा है, हम कुछ पॉइंट्स लेना चाह रहे हैं जो हमें तैयार हो गया, आइए एग्जांपल लेते हैं, नाजा एनसीईआरटी में दिया हुआ, कोबरा फेमस नाम, जहरीला सांप है स्टूडेंट, पॉइजनस स्नैक एनसीईआरटी में देखी, और ये इसका ओरिजिनल, ब्रॉड स्केल्स, डन। फ्रॉग में टंग फूड इंजेक्शन में हेल्प करती है, बाइलोब्ड होती है फ्रॉग में, सांप में टंग बाइफिड होती है दो डायरेक्शन में, और वाइब्रेशन लेने का काम करती है, डॉग में टंग डॉग में टंग टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
हमारे में टंग स्टूडेंट मैमक्स में मोस्टली टेस्ट के लिए होती, एंड स्पीच फंक्शन ऑफ टंग इन डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स. एनी प्रॉब्लम? पहला एग्जांपल नाजा, पॉइजनस स्नेक, कॉमन नेम कोबरा. डन. एग्जांपल नंबर नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, बंगेरस, करेत, पॉइजनस स्नेक. इसका विनोम बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, ये इस तरीके से दिखाई देता है स्टूडेंट. करेत. एनी प्रॉब्लम? डन. नेक्स्ट स्टूडेंट वाइपर, पॉइजनस स्नेक. ये भी, ये देखिए स्टूडेंट, स्टूडेंट इसके हेड पर ऐसे लोरियल पिट नाम की एक स्ट्रक्चर होती है, लोरियल पिट, दिस वन. या करेत, उसके बाद वाइपर, नाचा, बंगेरस, वाइपर. एक एग्जांपल और देता हूं, इंसेटी मैंने हाइड्रोफिस, सी स्नैक. जी हाँ स्टूडेंट, ये रहा समुद्र का सांप है, पॉइजनस स्नैक होता है. श्योर? हाइड्रोफिस, सी स्नैक, पॉइजनस स्नैक. एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, कॉमन नेम पाइथन, अजगर, सुना हुआ नाम, दिस वन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. सबसे बड़ा पॉइंट इसके साथ, नॉन पॉइजनस स्नैक है स्टूडेंट अजगर. अजगर स्टूडेंट कभी भी पॉइजनस नहीं होता, डसता नहीं हो कभी भी. जी हां, सांप में वोकल सैक नहीं होते स्टूडेंट, सांप की जो हिस की आवाज निकलती है वो उसकी नॉस्ट्रल से छोड़ी गई एयर होती. जी हां, पाइथन अजगर नॉन पॉइजनस स्नैक है. ये अपने प्रे अपने होस्ट के चारों तरफ ऐसे उसे जो है उसके कॉइल्ड हो जाता है और फिर उसको स्टूडेंट निगलने का काम करता है, स्वेलिंग करता है, डसता नहीं. लार्जेस्ट स्नैक में नाम है अजगर का. जी हां, लार्जेस्ट स्नैक अजगर स्टूडेंट. ये वो अकेला, ये सांप है जिसमें वेस्टिजल हाइंड लिम्स होते हैं स्टूडेंट, ये इसकी स्किन, ये इस तरीके से एग्जांपल. डन. तो स्टूडेंट मैंने आपको स्नैक इसके बारे में बता दिया, तो दो एग्जांपल कंप्लीट, एक टॉर्टोइस और एक स्टूडेंट स्नैक यानी सांप. एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं, अभी तक हमने कौन कौन से एग्जांपल ले लिए, एक वर्ड आएगा किलोन मैराइन टर्टल, एक वर्ड आएगा टेस्ट्यूडो लैंड टॉर्टोइस, एक वर्ड आएगा नाजा कोबरा पॉइजनस स्नैक, एक वर्ड आएगा स्टूडेंट वाइपर पॉइजनस स्नैक, एक वर्ड आएगा बंगेरास करेत पॉइजनस स्नैक, एक वर्ड आएगा पाइथन अजगर नॉन पॉइजनस स्नैक. डन. श्योर स्टूडेंट? अब बसते हैं इसमें दो एग्जांपल और, क्रोकोडाइल और लिजार्ड.